मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। और आज बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है। तो उत्तर में बाबा ने कहा कि सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। और आज का मुरली का गीत है भोलेनाथ से निराला, और कोई नहीं मेरी बिगड़ी बनाने वाला, और कोई नहीं। ओम शांति। यह किसी की महिमा सुनी है बच्चों ने? इस गीत से गाया जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। तो उसी की महिमा सुनी ना हमने, वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का, पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, बाबा कहते वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं कि रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को दो बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक कौन सा? शरीर का पिता। पारलौकिक रूह का पिता। बाबा कहते बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। करते हैं ना हम सब बच्चे बाबा को याद? तो बाबा कहते सत्युग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद ही नहीं करते, और यहाँ पर हम भगवान भगवान कहकर याद करते हैं सब बच्चे, या सब याद करते हैं बाबा को। बाबा कहते वहाँ सत्युग में कोई नहीं याद करता, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। भगवान को कब याद करते हैं? सारी दुनिया जब दुखी है तभी तो उसको ढूंढते हैं ना, याद करते हैं। तो हम बच्चों ने भी तो दुख में इसको ढूंढा, याद किया, और उसका सत्य परिचय मिल गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, और फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में, कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं गुस्से में। जब उनके कार्य सफल नहीं होते तो कहते हैं नहीं है कोई भी भगवान, सब झूठ है, ये है। तो बाबा कहते फिर गुस्से में गालियां भी देते हैं मुझे। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सत्युगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। जिसको ही याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे खवैया हमको इस विषय सागर से निकाल, क्षीर सागर में ले जाओ। बाबा कहते गांधी जी भी गाते थे ना पतित पावन सीताराम,
हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं। बाबा कहते ये नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है, सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में हैं, वह थोड़े ही पतित पावनी हैं। बाबा कहते पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है, भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सत्युग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, और फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है। क्या गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख घनेरे। तो बाबा कहते तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। करता है ना बाबा हमको सुखी, हमारे दुख हटता है। तो बाबा कहते राजयोग से आपको घनेरे सुख मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। कब आते हैं, जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सत्युग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो, इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, फिर शिव कहो व रुद्र कहो। बाबा कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी भी नहीं कहा जाता, सत्युग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। बाबा कहते यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन ना सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है,
कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते हैं मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे कि मैंने इस तन का आधार लिया तो ये ब्रह्मा भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाबा कहते हैं उसको तो देवता भी नहीं कह सकते हम। देवता माना दिव्य आत्मा की सत्व प्रधान अवस्था। बाबा कहते हैं मनुष्य को तो वो भी नहीं कह सकते। बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। हम रावण राज्य से निकल आए हैं तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। धीरे धीरे क्यों पता पड़ेगा? क्योंकि रावण क्या है? हमारे विकार। तो हम अपने विकारों को चेंज कर रहे हैं, विकारों को ख़त्म कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो बाबा कहते हैं फिर सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। बाप हैं ही दो, एक निराकारी बाप एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है साकारी बाप से साकारी बच्चों को। शरीर के पिता से तो वर्षा मिलेगा जो उसकी जमीन जायदाद है, और निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। तो आत्मा को बाबा क्या देते हैं? आत्माओं की शक्तियों को जागृत करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? कि मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं, शस्त्र देते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सत्युग में अज्ञान होता ही नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था, हीरे ज्वाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इन सॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? बाबा कहते ये बाप का ही काम है, बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको रायोग सिखाने आया हूँ, नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। बाबा कहते किसी और तरीके से नहीं बन सकते आप पावन। याद से ही खाद भस्म होगी। सुनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सत्व प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सत्व प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो।
ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ तब ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बाबा कहते जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं क्या करने आता हूँ, एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, ये भारत की ही बात है। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूँ, शिव रुद्र सब उसके ही नाम हैं, अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है शिव, मैं शिव हूँ, तुम सालीग्राम बच्चे हो, तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, श्रीमद पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। और दूसरा पॉइंट है, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। और आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं, आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो, कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। और स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बाबा ने कहा कि बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। और आज हम मातेश्वरी जी के भी कुछ अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो आज मातेश्वरी किस पॉइंट पर हमें क्लैरिटी दे रही हैं कि मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं, तो सुनते हैं। तो मातेश्वरी जी बोली कि यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं, जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा। बाबा के वो मातेश्वरी जी ने कहा कि वो घूमकर फिर वापस लौट आएगा ना, तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है, थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया। फिर जब जागृत अवस्था में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं, सुनाते हैं ना हम कि मुझे रात को कल ऐसा सपना आया। तो वैसे ही परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो देखा
कि साक्षात्कार था ये, तो फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम ये देखकर आए। तो यह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। ध्यान कौन सी अवस्था है? सतोगुण अवस्था। तो स्वप्न कोई रजोगुण होते, तमोगुण मतलब कोई डरावने सपने होते हैं, कोई रजोगुण मीन्स कोई बहुत डिजायर जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा होती है उसके अनुरूप सपने आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो ध्यान है ये सतोगुणी अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे सपने में शरीर की भासना नहीं रहती, वो स्वप्न घूमता है, तो ऐसे ही ध्यान में भी शरीर की कोई मतलब कि कुछ महसूस नहीं होता है। तो कहते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध-बुध भूल जाती है। तो देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड करते हैं, परंतु इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कराती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता है, लेकिन शरीर से आत्मा डिटैच हो जाती है कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए, क्षणों के लिए। तो अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ये सोचकर, तो जो अंतिम लाइन मातेश्वरी जी ने बोली है कि यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, कि हम उसको याद करते हैं, उसके साथ कितना कनेक्शन फील करते हैं, तो वही हमें एक्सपीरियंस करवाता है। मनुष्य आत्मा में ऐसी कोई पावर नहीं है। अच्छा, ओम शांति।